डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक में बात कर लिया था, फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों में विभेद चल रही थी, तुलना चल रही थी, जिसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के बाद एक पॉइंट पढ़ लिया था, फिनोल के जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। और उसमें क्या पढ़ा था कि जो फिनोल है उसको जिंक चूर्ण के साथ यदि आप गर्म करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, बेंजीन का निर्माण हो जाता है। उसी में आज टॉपिक को बढ़ाते हुए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिनॉल की NH3 के साथ अभिक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है फिनॉल की NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फिनॉल की NH3 के साथ अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जो फिनॉल है कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवानी है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, HNH2, ऐसे लिख सकता हूं इसको, NH3 का मतलब होता है अमोनिया, यौगिक का नाम क्या होता है अमोनिया। किसकी प्रेजेंस में होती है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे, यानी फिनॉल है। इस फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे करवाई जाएगी, तो यहां से एरोमेटिक यौगिक एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां से एरोमेटिक यौगिक के रूप में देखो, यहां से OH और यहां का H, यानी OH पे क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, रिंग के ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव। कुल मिला के यहां का OH, यहां का H, तापमान है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या होगा, वेपर के रूप में पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलेगा तो NH2 कहां पे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, तो यौगिक बन जाएगा आपका NH2 और आउट कौन हो जाएगा H2। बेंजीन रिंग पर जब NH2 समूह जुड़ जाता है तो इस यौगिक का नाम होता है एनिलीन, यौगिक का नाम क्या होता है एनिलीन। और ये जो एनिलीन होता है वो क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक यौगिक। एनिलीन कैसा यौगिक होता है, एरोमेटिक। तो यहां पे स्पष्ट लिख रखा है कि जो फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे कराई जाती है, तो एरोमेटिक यौगिक एनिलीन बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिनोल की PCl5 के साथ अभिक्रिया, फिनोल की PCl5 के साथ अभिक्रिया, फिनॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो देखो इसमें क्या होता है, फिनोल है, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, PCl5 इस प्रकार से लिख लो आप इसको OH। PCl5 जब भी क्रिया करता है तो बाहर क्या निकलता है, POCl3, जिसे बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो क्या होता है यहाँ पे, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए, PCl5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl, यहाँ पे ये Cl, फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 Cl जुड़ जाता है। फिनॉल की अभिक्रिया PCl5, ये इसकी जगह आप लिख सकते हैं C6H5, ठीक ही बात है। फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जैसे आप इसको अभिकृत करवाओगे साइड साइड से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये बाहर। देखो POCl3 जब भी PCl5 अभिक्रिया करेगा तो बाहर क्या निकलेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, यानी बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे Cl, ये बेंजीन रिंग है, इस पर क्या जोड़ दिया मैंने Cl, बीच वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा PO, तीनों Cl मिलकर बाहर निकल जाएगा POCl3, साइड के रूप में H प्लस Cl माइनस क्या बाहर निकल जाएगा यहां से H से। इस यौगिक का नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका इस यौगिक का नाम होता है क्लोरोबेंजीन, कि बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाए, बेंजीन रिंग पर Cl जुड़ जाए तो उसका नाम क्या होता है क्लोरोबेंजीन, ऐसे Br जुड़ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, यहां से क्लोरोबेंजीन एवं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है।
इस अभिक्रिया में क्या होता है, अब आपके पास इस यही अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया के अंदर आपका जो फिनोल था वो एक्सेस में है, आधिक्य में लिया जाता है, तो यानी कि आधिक्य में लिया हुआ फिनोल है वो वापस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्रिया करके यहां से नया यौगिक ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाता है। तो क्या बनाता है, किस प्रकार से होती है रिएक्शन देखें, कि इस अभिक्रिया में फिनोल को आधिक्य में लिया जाता है, ध्यान रखना नोट डाल के, इस अभिक्रिया में फिनोल को आधिक्य में लिया जाता है, आधिक्य में लिया जाता है, तो अंतिम उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फॉस्फेट यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बन जाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फेट यौगिक बनता है। देखो एक्सिस में आपने लिया फिनोल को C6H5OH, ठीक है, यहां पे एक्सिस का तीन मोल लिया, पे POCl3 के साथ जैसे ही आप अभिक्रिया करवाओगे फिनोल को, जब एक्सिस में लिया जाता है तो यहां पे क्या बन जाएगा, C6 ट्राइफेनिल फॉस्फेट, देखो C6H5 का मोल 3, यहां से मॉलिक्यूल टूट जाएगा, यहां पे C6H5 तीनों मोल लिया, अब यहां का P, यहां का ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे, यहां पर एक पी और एक ये ऑक्सीजन है, तो फॉस्फेट का अणु बना लेगा यहां पे C6H5PO4, और आउट को तीन Cl और यहां पे तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो आउट कौन हो जाएगा यहां पे 3HCl। देखिए आप C6H5OH का एक्सिस में तीन मोल लिया POCl से, अब यानी कि ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाना है, तो देखो C6H5 यहां से मॉलिक्यूल्स एसिडिटी शो करेगा तो टूट जाएगा, यहाँ से एच बाहर निकलेगा, कितने एच बाहर निकल जाएंगे, 3H, तो यहाँ पे तीनों सी एल बाहर निकल जाएंगे, तो 3HCl, अब देखो C6H5 का होल 3, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ का एक PO, तीनों ऑक्सीजन इसके ऊपर जुड़ेंगे, तो PO4 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ये है आपका फिनोल के PCl5 के साथ अभिक्रिया। क्या बताया यहाँ पे, फिनोल के NH3 के साथ अभिक्रिया, कि फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे करवाई जाती है, तो एरोमेटिक यौगिक क्या बन जाता है, यहाँ से एनिलीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट में बात की फिनोल की PCl5 के साथ अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है, तो क्लोरोबेंजीन फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। अब क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में फिनोल को यदि आधिक्य में ले लिया जाए तो ये फिनोल है वो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है, थैंक्स।